हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये सितंबर के महीने की राशिफल होगी, जिसमें हम देखेंगे करियर, लव में, ओवरऑल आप लोगों की हेल्थ वगैरह सब में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस महीने, ये हम टैरो रीडिंग के जरिए चेक करेंगे। और जिन लोगों को फर्स्ट रीडिंग करवानी होती है, डिटेल स्क्रीन पर है आप लोगों के सामने, नंबर्स मेंशन है, आप वहां पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ हमने एक वर्कशॉप शुरू किया है सितंबर 22 की, वो वर्कशॉप होने वाली है स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं तो आप कैसे पता कर सकते हैं, अगर जर्नी में बहुत ज्यादा स्टक हो गए, लेट्स से आप अपनी लव रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से स्टक है, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे उस रिलेशनशिप में मूवमेंट लाए या यूनियन आए, या हम जो है नॉर्मल फील कर सकें, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, हैप्पी रह सकें, पीस ऑफ माइंड मिसिंग है, अकेलापन महसूस हो रहा है, इन सब चीज स्थिति से गुजर रहे हो और नहीं समझ पा रहे कि करना क्या है, बहुत से वीडियोस देखे पर आइडिया कुछ लग नहीं रहा है, तो ये वर्कशॉप डेफिनेटली आपके लिए है। ये एक दिन का वर्कशॉप होने वाला है 22 सितंबर को, जो कि जूम कॉल पे लाइव साक्षात मैं जो है सामने आपको बताऊंगी। 12 बजे का ये होगा वर्कशॉप, आपको 2 घंटे या 3 घंटे जो है, ये 2 से 3 घंटे का वर्कशॉप रहने वाला है, जिसे आपको अटेंड करना है। अटेंड करना जरूरी है क्योंकि उससे ही आप लोग जो है ध्यान देते हैं, रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होंगी। ये साल में एक ही बार होता है क्लास, लास्ट टाइम ये क्लास जो है 500 से ज्यादा लोगों ने जो है अटेंड की थी और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स इसके मिले थे, मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले थे। सो आप लोग अगर अभी भी कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में और नहीं समझ पा रहे कि कैसे अब आगे बढ़ें, स्टक एनर्जी आ गई है, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और कुछ आइडिया नहीं लग रहा है ये पोर्टल्स क्या होते हैं, ये जर्नीज में अगर हैं तो इतनी स्थिति ऐसी क्यों है, आउटकम क्या होगा, आगे क्या चीज़ें होंगी और कौन से वो सेलिब्रिटीज थे जो सेम सिचुएशन से गुजरे हैं और उन्हें उनकी भी लाइफ में क्या क्या चीज़ें घटित हुई, ये सब के बारे में हम इस पर स्टडी करने वाले हैं। तो इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए दिया गया जो नंबर स्क्रीन पर है उस पर आप व्हाट्सअप करें, टीम आपको डिटेल्स देंगी, आपको पे करना है डेफिनेटली और उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उसके बाद आपकी सीट रजिस्टर हो जाएगी। आप 22 सितंबर को बस आपको ये अटेंड करना है और आप सब कुछ समझ जाएंगे, अपनी लाइफ में जो स्टक सिचुएशन है इसमें से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। सो इसे अटेंड जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी सिचुएशन में लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है तो, ठीक है। उसके अलावा ब्रेसलेट वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो उसकी भी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है, आप व्हाट्सअप करें, आपको अपने बर्थ नंबर या अपनी परेशानी के अनुसार ब्रेसलेट मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के बेसिस पर है, लेकिन कोशिश करें नाम के अनुसार देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको चाहिए तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के अनुसार, स्टार साइन, लग्न राशि, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी या था पे कंफ्यूज मत हो जाना, एनर्जीज पे फोकस करना, ठीक है। और इस रीडिंग में मैं जो है जितना डिटेल हो सका उतना डिटेल जो है मैं चेकआउट करूंगी, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ, यूनिवर्स मुझे बताएं कैसा रहेगा ओवरऑल। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, फूल, 13 कार्ड बना लो, जजमेंट। ओके, इस महीने आप किसी की नहीं सुनने वाले वृश्चिक राशि वालों, आप वो करेंगे जिस जो आपका दिल करेगा, आप अपने दिल की सुनते हुए, अपने मन की सुनते हुए ज्यादा नजर आएंगे, काफी चंचलता आपके अंदर देखने को मिलेगी, हंसी मजाक करते हुए नजर आएंगे, काफी बड़े बड़े रिस्क लेंगे, घूमना फिरना, एंजॉय करना, अपनी अपने धुन में रहना, अपनी मस्ती में रहना, ये वो टाइम है जहां पर आप एकदम एक छोटे बच्चे वाली एनर्जी में ज्यादा रहते हुए नजर आएंगे। इस महीने आप बच्चों वाली एनर्जी में बहुत इंजॉय करेंगे, हैप्पी रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार आपने बहुत ज्यादा सबके लिए कर लिया, सबके लिए सोच लिया, इट्स अ हाई टाइम जहां पर अब आपको अपने बारे में सोचना है, आप अपने जीवन की एक नए सिरे से नई शुरुआत करते नजर आ रहे हैं, खुद के लिए चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और फिटनेस वगैरह पे, मतलब जो है अपने आप पे, अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत सारे चेंजेस करके खुद को चेंज करते नजर आ रहा है। फिटनेस में मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से वेट लॉस करेंगे, वेट गेन करेंगे, नहीं, आपको लग सकता है कि मैं जो हूं मैं उसमें खुश हूं, मेरी लाइफ में मैं हैप्पी हूं और मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। लाइक अब तक आप दूसरों से कंसर्न थे, दूसरे आपको क्या बोल रहे हैं, फलाना पर्सन आपको क्या बोल रहा है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आप अपने लुक्स और अपीयरेंस को दूसरों के हिसाब से हैंडल कर रहे थे कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, बट इस महीने आप ऐसे रहेंगे कि यार कौन क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने में खुश रहना चाहता हूँ या अपने में खुश रहना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई सडन ट्रैवलिंग हो सकती है इस महीने, अचानक से आप ट्रैवल कर सकते हैं। फाइनेंसिस की बात की जाए, बिजनेस और जॉब की बात की जाए, जॉब में और बिजनेस में
देखो ऑफिस पॉलिटिक्स में बिना वजह फंस सकते हो, बहुत स्ट्रांग चांसेस है इस महीने अचानक से ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसोगे और इतना गुस्सा आ जाएगा कि एकदम से सामने वालों को बोल दोगे कि नहीं करनी तुम्हारी जॉब, रखो तुम्हारी जॉब, हमें करना ही नहीं, बात ही खत्म, एकदम से जॉब छोड़ देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं, चुपचाप में अचानक से जॉब छोड़ देंगे और दूसरी जॉब ढूंढना शुरू कर देंगे। क्या वो दूसरी जॉब मिलेगी? यस, डेफिनेटली मिलेगी। वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आपके साथ अगर गलत चीजें हो रही है तो भगवान उसके लिए कहीं ना कहीं दूसरों को पनिश करेंगे और डेफिनेटली आपको विजेता बनाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी विन विन सिचुएशन एट द एंड बनती नजर आ रही है। जॉब स्विच करना चाहेंगे तो करेंगे जरूर, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स में आप अपनी तरफ से डिफेंसिव होकर लड़ेंगे। इस वक्त ऐसे समझ लो कि इस महीने आप आर पार की सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। आप बोलेंगे बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत सह लिया, अब तुम्हें जवाब देंगे। तो जवाब देने की स्थिति ज्यादा बन रही है जहां पर आप किसी की नहीं सुनने वाले, परिवार वाले गलत कर रहे हैं, दोस्त गलत कर रहे हैं, तो सबकी बैंड बजाने में आप जो है खड़े हो जाएंगे कि आप सबकी हालत खराब करेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल भी मीठा मीठा बोलते नजर नहीं आ रहे, जो चीज आपको बुरी लग रही है आप सीधा सटीक जवाब दे रहे हैं और उस इंसान को सबक सिखा रहे हैं। ठीक है, इस महीने बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप किसी व्यक्ति को, बिजनेस में है तो किसी एम्प्लॉय को अचानक से काम से निकाल देंगे, या किसी इंसान को पता नहीं क्यों अचानक से ब्लॉक करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सडन किसी को ब्लॉक करेंगे, सडन किसी का नंबर डिलीट करेंगे। अब ये कौन होगा वो आप ज्यादा जानते, ऑल ऑफ सडन ये होगा, बहुत सडनली आप डिसाइड करेंगे कि नहीं बस मुझे इस इंसान को एंटरटेन नहीं करना है। इस तरीके की स्थिति बनेगी। रोमांटिक रहेंगे मस्ती मजाक वाले माहौल में, जैसे कि मैंने कहा भाई बहनों के साथ मस्ती बहुत करेंगे, भाई बहनों के नाक में दम करने वाले इस महीने आप, बहुत ज्यादा परेशान करेंगे उनको, बहुत हंसी मजाक भी होगा और मतलब थोड़ा सा ऐसा ऐसा नहीं कि आप लोगों में नोकझोंक नहीं होगी, थोड़ी बहुत नोकझोंक होगी लेकिन मजा बहुत आएगा इस महीने। भाई बहनों के साथ अच्छा आपका माहौल रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है इस महीने, बहुत अच्छा टाइम है। फाइनेंसिस की स्थिति में देखूं, फाइनेंसिस मंथ के एंड में बहुत अच्छे हैं, महीने के एंड में आपके बहुत अच्छे फाइनेंसिस रहेंगे और कहीं ना कहीं काफी सेफ प्ले करोगे आप, सेफ चलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपके लिए मुझे फाइनेंसिस में कोई नुकसान या फॉल नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन कंपटीटिव एनर्जी जरूर बनेगी, यानी कि बिजनेस और जॉब में कंपटीशन बहुत खड़ा होगा, बहुत से लोग आपको गिराने का प्रयास करेंगे, बहुत से दुश्मन है जो चाहेंगे आपको नुकसान देना, पर आप जो है सब पे भारी वाली एनर्जी ज्यादा दिखाते हुए नजर आ रहे हो। यानी कि कोई आपको परेशान तो करे, पोक तो करे, तो आप शेर की तरह उसको दहाड़ सिर्फ मारेंगे नहीं, उसका शिकार कर लेंगे, तो वो वाली एनर्जी क्लियरली आपकी दिख रही है। आप सामने वालों को बख्शेंगे नहीं। यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, थोड़ा खुद को सावधान रखने की जरूरत है। ध्यान रहे किसी बिना वजह के पछेड़ों में ना पड़े, बिना वजह के आर्ग्यूमेंट से दूर ही रहें। जहां पर आपको लग रहा है कि आपका बोलना बिना वजह खर्च हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां बिना वजह अपनी टाइम वेस्ट मत करें, बिकॉज थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल मूव होने की भी जरूरत है। थोड़ा सा जो भी कार्य कर रहे हैं रिसर्च के साथ करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी नुकसान होने वाला है, बट क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्स्टेकल में यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि थोड़ा खुद को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, थोड़ा सावधानी से चलो, थोड़ा संभल कर चलो। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट्स के मामले में सेफ चल रहे हो, काफी सेफ्टी से चलते हुए दिखाई दे रहे हो, बेनिफिट्स हैं। और कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी डेफिनेटली बाय करोगे इस महीने। इस महीने मैं आप लोगों की लव अफेयर में कहूंगी कि बहुत से लोगों के लिए एक नए न्यू लव की शुरुआत होगी। आपकी लव लाइफ में कोई नया व्यक्ति एंटर हो सकता है, सडनली अगर आप सिंगल हैं तो कोई व्यक्ति आपको पसंद आ सकता है, किसी व्यक्ति के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और ये एक नई शुरुआत क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं, जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, तो आप लोग दोनों में बहुत समय से किसी तरीके की मनमुटाव बने रहे थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, वो कहीं ना कहीं इस महीने सॉल्व होंगी। इस महीने सडनली आप दोनों के बीच में चीजें स्थिर होती हुई, बैलेंस होती हुई नजर आएंगी और लगेगा चलो अब रोमांस बढ़ गया, प्यार बढ़ गया, वापस से एक नई स्थिति, एक तरीके का रिफ्रेशिंग एनर्जी देखने को मिलेगा लव लाइफ में आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मैं नो कांटेक्ट वालों के लिए भी सेम कहूंगी, नो कांटेक्ट वालों के लिए स्थिति बन रही है कांटेक्ट में आने की, चांसेस है कि एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए दो स्थिति बनेगी, बहुत से लोगों के लिए नो कांटेक्ट में भी पर्सन वापस आ सकता है, साथ ही साथ कोई नया व्यक्ति भी एंटर कर सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप दो लोगों से डील करते हुए इस महीने नजर आ रहे हैं। और इस महीने आप फ्लर्टिशियस मूवमेंट में भी रहेंगे तो थोड़ा फ्लर्ट वगैरह करेंगे, डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि डेटिंग वेटिंग, अगर सिंगल हैं तो आप डेटिंग शेटिंग्स वाली एनर्जी में ज्यादा हैं, बहुत से लोगों से डील करते हुए, बहुत लोगों से बात करते हुए या बात करती हुई नजर आएंगी। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। हेल्थ आप डेफिनेटली मस्त मौला बन रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ पे डेफिनेटली आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली आपको जो है अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके मूड स्विंग्स की दिक्कत मुझे दिख रही है और सर दर्द की दिक्कत दिखाई दे रही है। मेंटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लोग आपके साथ बहुत सारी चीजें गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस ले रहे हो आप, तो टेंशन थोड़ा रिलीज करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन वगैरह रिक्वायर्ड है। पानी खूब सारा पिए इस महीने, आपके लिए पानी बहुत ज्यादा पीना जरूरी है क्योंकि डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है।
इस महीने मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। इस महीने मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस देखने को मिलेगा, आप दोनों के बीच में इक्वल सपोर्ट लव देखने को मिलेगा। पार्टनर और आप दोनों के बीच में अगर संबंध बिगड़े हुए थे तो संबंध बेहतर होंगे, कहीं ना कहीं चीजें स्थिर होती नजर आएंगी। मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा जिसकी वजह से दोनों के बीच में प्यार सपोर्ट लव बढ़ता नजर आएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल भी होते हुए दिख रही हूँ, आप स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखने का प्रयास करेंगे, थोड़ी पूजा पाठ या ईश्वर के प्रति आप ग्रैटिट्यूड जो है रिप्रेजेंट करते हुए यानी कि शुक्राना थैंक यू बोलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। सोशल लाइफ में अच्छे हैं, फ्लर्टेशियस एनर्जी है, तो सोशल लाइफ में चांसेस है कि दोस्तों के साथ, अगर दूसरे जेंडर के दोस्त मतलब दोस्तों में अपोजिट जेंडर है तो उनके साथ फ्लर्ट जरूर करेंगे, मस्ती मजाक के मूड में ज्यादा है, तो फुल एंजॉयमेंट करने वाली एनर्जी है आपकी। सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। ओवरऑल इस महीने जैसे कि मैंने कहा, एक चंचल इंसान जो मस्ती करने वाला या एकदम हंस के जीने वाला व्यक्ति मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, आप फुल ऑफ लाइफ नजर आएंगे। ठीक है, बाहर वगैरह विदेश जाना चाहते हैं तो यस, वो कार्य में सफलता मिल सकती है। पीआर रिलेटेड, वीजा रिलेटेड कोई कार्य डॉक्यूमेंटेशन का काम है उसमें भी सफलता मिलेगी। थोड़ी सी परेशानी जरूर होने वाली है लेकिन एंड में सफलता मिल जाएगी। यूनिवर्स की गाइडेंस, वंस अगेन आपको रिमाइंडर दे दूं, यूनिवर्स आपको कह रहा है थोड़ा संभल कर चलो, जल्दबाजी मत करो किसी भी कार्य में। जल्दबाजी बिना सोचे समझे स्टेप लेना दिक्कत पैदा कर सकता है। सिंगल्स जो लोग शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं, अच्छा ऑफर नहीं अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं इस महीने। आप ट्राई करते रहें, आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स जरूर मिलेंगे। मैं कहूंगी कि एक ही व्यक्ति से बात ना करें, एट अ टाइम अगर आपके पास दो ऑफर आ रहे हैं तो दोनों लोगों से बात करें और फिर डिसाइड करें कि आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, यूनिवर्स आपको कह रहा है बहुत संभल कर स्ट्रैटेजिकल मूव लेना है। ठीक है, उसके अलावा नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैंने कहा कॉन्टैक्ट की स्थिति बन सकती है, चांसेस है न्यू भी आ सकता है आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति और एक्स भी वापस आ सकता है, क्योंकि एट अ टाइम आप दो लोगों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में दो लोग मुझे आपके साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड हैं, उनके साथ होते हुए आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ जाए, इसके वजह से भी हो सकता है कि ये दो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।